सलीब के रास्ते के 14 मकाम। चौथा मकाम, यसु को उसकी गमजदा माँ रास्ते में मिलती है। देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, कि तुम सब प्रागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। इसकी पेशींगोई मुकद्दस शमाउन ने यूं की थी, और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकरर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यसु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार रहूं। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा के इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। कौन सा आदमी तर्स ना खाता, माम से के अगर देखता, दर्दनाक मुसीबत।